फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो मेरे व्यूवर्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इन इलाकों से, अफगानिस्तान से देखने वाले हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो उनकी गलतफहमियाँ हैं, जो उनके जहनों में एक अलग सी बात आ गई है कि जब आप डिपोर्ट हों, ब्लैकलिस्ट हों UAE से, तो क्या आप विजिट वीजे पे जा सकते हैं या नहीं, क्या वर्क वीजे पे जा सकते हैं या नहीं, क्या आप फैमिली वीजे पे UAE के अंदर दाखिल हो सकते हैं या नहीं, या फिर यह है कि अगर अबू धाबी ने आपको ब्लॉक किया है, ब्लैकलिस्ट किया है, तो आप दुबई से एंटर हो सकते हैं या नहीं। अगर दुबई ने आपको ब्लॉक किया है तो क्या आप अबू धाबी के जरिए से अबू धाबी एयरपोर्ट यूज करके आप आ सकते हैं या UAE के अंदर दाखिल हो सकते हैं या नहीं। अगर इन दोनों ने ब्लॉक कर दिया है तो क्या आप अलैन से दाखिल हो सकते हैं, आ सकते हैं या नहीं। आपका वीजा UAE में विजिट वीजा आपको मिल जाएगा या नहीं, रेजिडेंस वीजा मिलेगा या नहीं, ये सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर है। क्योंकि बहुत सारे लोग एजेंटों के हाथों लुट चुके हैं और मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा क्यों ना अपने भाइयों के लिए एक बेहतरीन वीडियो इंफॉर्मेशन आपको आपसे शेयर करूं ताकि आप लुटने से बच जाएं। कोई भी एजेंट कसाईयों की तरह लुटते हैं लोगों से, सीधे साधे लोगों से पैसे लूट लेते हैं और बिला वजह के चक्रों में फंसा के रखते हैं। तो आज वीडियो इसी हवाले से है, तो साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो चैनल पर नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियो जॉब के हवाले से और नई नई मालूमात, अच्छी सैलरी वाले फ्री वीजों वाली जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, कैसे फ्री आपको वीजा मिलता है, ये सारी चीजें इस चैनल पर न्यूज अपडेट जो है वो होती रहती है। तो जरूर सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों ये कुछ बात यह है कि एक अजीज ने रब्ता किया, उसने कहा कि मैंने एक बंदे से वीजा लिया है और मैं डिपोर्ट हूँ UAE से, ब्लैकलिस्ट हूँ, और उस बंदे ने मुझे वीजा दिया है, मैंने उसको 6 लाख रुपया दिया है, ठीक है, और उस बंदे ने मेरी डिपोटेशन भी खत्म की है और वीजा भी मेरा निकल आया। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार कैसे डिपोटेशन कैसे खत्म होगी, और उसने ये काम भी 1 महीने के अंदर किया है। तो ये कानूनी प्रोसेस जो है वो बड़ा लंबा है, उसमें काफी टाइम लगता है। मैंने एक अलग डिपोटेशन वाली वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखें, उसका प्रोसेस क्या। अगर कोई डिपोटेशन ब्लैकलिस्ट खत्म कराना चाहता है, रिमूव कराना चाहता है, तो उसका तरीका क्या है, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो वो जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो मैंने हैरान हुआ, मैंने कहा यार वीजा कैसे निकला गया उसका इतना जल्दी और कैसे हो गया, और मैंने फिर इसके बारे में सर्च शुरू की। मुझे पता था चंद एक वाकयात, लेकिन फिर मैंने कहा कि कंफर्म करते हैं इसको कि कैसे निकला। तो जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, पता करता किया, आगे पीछे वो लगाते हैं ना, जो लगाते हैं जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो मैंने लगानी शुरू की, जब तो पता चला कि वीजा जो है निकल आया। उस बंदे का वो सच कहता था और एजेंट ने वीजा निकलवा दिया, निकल भी आया, लेकिन बंदा UAE के अंदर एंटर नहीं हो सका। तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं एंटर हो सका? भाई वीजा भी निकला है आपके पास, आपके हाथ में रेजिडेंस वीजा है, हुकूमत ने दिया है, विजिट वीजा है, गवर्नमेंट ने इशू किया, आपको वीजा आपके हाथ में है, फिर आप क्यों नहीं दाखिल हो सकते, फिर आप UAE के अंदर कैसे नहीं जा सकते? आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है, चाहे आपके पास वर्क वीजा है तभी आपको वापस भेज देते हैं, विजिट वीजा है तभी आपको वापस भेज देते हैं। तो ये चक्कर क्या है भाई, ऐसा क्यों होता है, क्यों? तो जब मैंने ये सारा समझा, तो भाई उस बंदे को वीजा निकल आया, तो UAE जब बंदे को डिपोर्ट करती है, ब्लैकलिस्ट करती है, तो वीजा दोबारा निकाल देती है। आप इंडिविजुअल भी, आपका कोई बंदा वहां पर है तो वहां से वो अप्लाई करेगा तो वीजा निकल आएगा, कोई भी कंपनी या वीजा विजिट वीजा भी अप्लाई करेंगे तो आपको विजिट वीजा निकल आएगा, लेकिन आप एंट्री नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप डिपोर्ट होते हैं, ब्लॉक होते हैं इमिग्रेशन में, वहां पर डिपोर्ट जो होते हैं वहां एयरपोर्ट पे होते हैं, सफर आपका बैन होता है, ममनू व दखूल होता है, आप दाखिल नहीं हो सकते, नो एंट्री होती है, इसलिए आपको दाखिल नहीं होना दिया जाता। तो भाई जब दाखिल नहीं होने देना है तो वीजा क्यों निकालते हैं, विजिट हो, फैमिली वीजा हो, या फिर जनाब आपका वर्क वीजा हो, तो भाई निकालते इसलिए हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए और आप जनाब के पास पैसे ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं आपके पास, ताकि आप जो है वो उनको पैसे दे सकें, आपसे फीसें ले लेते हैं, वीजा भी दे देते हैं, लेकिन दाखिल नहीं होने देते। तो ये है सारा सीन भाई, और ये मतलब कैसे मैं कह रहा हूँ, ये ऑथेंटिक एक बंदा भी है जो अभी फिल वक्त ओमान में काम कर रहा है, मस्कत ओमान में काम कर रहा है, उसने 2 बार कोशिश की है, और मेरे इलाके का बंदा है, मैं उसको बड़ा पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, और उसके साथ 2 बार यही हाथ हुआ है। अगर कोई कहेगा तो मैं जनाब उसको नंबर दे दूंगा उसका, वो बंदे से डायरेक्ट रब्ता कर रहे हैं और
उससे इंफॉर्मेशन ले ले कि हुआ क्या। भाई पहली बार उसके साथ ये हुआ कि उसका कंपनी का वीजा निकला, किसी कंपनी ने कोई गोरे की कंपनी है, मेरे जहन में उसने नाम भी बताया था, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, कंपनी ने उसने वीजा उसका निकलवाया और फिर वो एयरपोर्ट पे काफी टाइम तक रोका भी रहा। हमारी बात भी हुई थी उससे कि यार क्यों नहीं आ रहे हो अभी, वो कहता है कि मसला चल रहा है कुछ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, दुबई से डिपोर्ट था वो, ठीक है, और मैं नहीं निकल सकता, वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसका पीआरओ भी गया था कंपनी का, अरबाब ने भी बात की है और सारा जो उनका था वो सिस्टम उन्होंने किया, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली, वो बाहर नहीं निकल पाए और उसी को अगले दिन जहाज में वापस कर दिया गया, वो दोबारा पाकिस्तान वापस आ गया और ये टिकट भी जाया हो गया, वीजा जो था उसका फ्री का था, कंपनी का फ्री वीजा था, उसका भी वो मतलब जाया हो गया, कंपनी का वीजा जाया, फीसें तो नहीं मिलेगी, तो एंट्री भी नहीं, तो दोनों हालात खराब हो गए। अगर आप अपने पैसों से भी वीजा लेंगे तो ये तो चलो उसका नसीब अच्छा था, उसका मतलब नुकसान तो हुआ, लेकिन टिकट का नुकसान हुआ, प्रोटेक्टर का नुकसान हुआ, ये सब नुकसान हुआ, लेकिन वो बड़े नुकसान से बच गया। कहीं ऐसा नहीं होता कि 2.5-3 लाख या 6 लाख किसी एजेंट को दिया होता या 8 लाख तो वो कहता मैंने वीजा निकलवा दिया, अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भाई आप जाओ, आपको एंट्री नहीं मिली तो मैं क्या करूं, मेरा काम था वीजे का, मेरी वीजे की बात हुई थी, भाई वीजा निकल आएगा लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए किसी एजेंट के हाथों फंसे नहीं। फिर एक बार ये कंपनी के वीजे पे गया और दूसरे बार ये जनाब विजिट वीजे पे गया, तो विजिट वीजे पे भी जब गया तो विजिट वीजा निकल आया लेकिन एंट्री नहीं मिली, दाखिल नहीं होने दिया गया, तो वही सीन हुआ दोबारा इसके साथ। उसको कहा कि आप आ कैसे गए, तो उसने कहा ये वीजा है आपका, आपकी गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, मैं इसलिए आ गया हूँ, आपने बुलाया है, विजिट दिया है, तो उन्होंने कहा भाई आप एंट्री नहीं कर सकते। तो इसने किया वीजा तशीरा जो है वो आपकी आना आती वाला मालिन हुकूमत आती, तो उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ने दिया है, तो मिनो गलतान, इसने बोला कौन गलत है, तुमने कहा गलत भाई कोई भी नहीं है, निकल आया है तो वापस जाए बिस्मिल्लाह करके, वापस भी तो हम ही भेज रहे हैं ना, वीजा निकाला, तो ऐसा है उनका सिस्टम, वो नहीं सोचते हैं किसी का नुकसान हो गया या नहीं हुआ, आपके पैसे लगे हैं या नहीं लगे, वीजा निकल आता है लेकिन आपको एंट्री नहीं देते हैं। इसलिए कोई भी बंदा लुबे लुबा भी हुआ, कोई भी बंदा आपको कहता है मुझे इतने पैसे दे मैं वीजा निकलवा दूंगा, भाई वीजा तो निकलवा देगा, एंट्री कैसे कराओगे, तो बाद में ये एजेंट क्या कहते हैं हमारा काम था वीजा निकलवाना, हमने तो वीजा दिया, आगे आप जाने आपका काम जाने, आप तो लुट गए भाई, फालतू में आपके पैसे लगे, आप आपसे 6-7 लाख रुपया ले लिया, 6-7 लाख इसलिए ले लिया या 5-6 लाख इसलिए ले लिया क्योंकि आपने बताया मैं डिपोर्ट हूँ, तो उन्होंने कहा हम आपका डिपोर्ट निकलवाते हैं, या फिर कहेंगे कि साल के बाद डिपोर्ट खत्म हो जाता है 6 महीने के बाद, भाई डिपोर्ट खुद ब खुद नहीं खत्म होता है, डिपोर्ट खत्म कराना पड़ता है, उसकी वीडियो अलग से मौजूद है इस तरह हम हाउ टू यानी डिपोर्ट कैसे खत्म करते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो, उसको आपको पता लग जाएगा कि डिपोर्ट कैसे खत्म करना है, उसका प्रोसेस है कानूनी, वो तरीके से अगर हुकूमत खत्म करती है हुकूमत तो खत्म होगा, ऐसे एजेंट वगैरह वगैरह वो खत्म नहीं कर सकता, वो वीडियो जरूर देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो अभी खुलासा कलाम ये हुआ कि आपका अगर आप डिपोर्ट हैं, ब्लैक लिस्ट हैं, बैन है, ये सारी बातें ये की हैं, तो आप यूएई में विजिट वीजा आपका निकल आएगा, रेजिडेंस वीजा निकल आएगा, पार्टनर वीजा निकल आएगा यानी इन्वेस्टर का वीजा निकल आएगा, लेकिन आप एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एयरपोर्ट से बुला गए, ठीक है, इमिग्रेशन वाले आपको दाखिल नहीं होने देंगे, ममनू सफर है, ममनू दखूल है, आप दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों एजेंटों के हाथों में नहीं फंसना है, और अगर आपको आने का शौक ही है तो फिर कानूनी तरीका आजमाएं, इस्तेहाम करें, और वो इस्तेहाम न्याबुलाम में होगा, मरीना मॉल अबू धाबी में होगा, या फिर मुशरफ मॉल में होगा, वो नीचे इमिग्रेशन बनी हुई है, आप कहेंगे मॉलों में किधर होते हैं, वो नीचे इमिग्रेशन है, सिस्टम है। तो न्याबुलाम क्या है, न्याबुलाम एक कानूनी इदारा है, वहां जाए कोई भी बंदा आपका होगा तो वो डिपोर्टेशन वाले जो पेपर है, वो जो फाइल है, केस कौन सा है, वो सारी फाइल आपकी पासपोर्ट कॉपियां लेके वहां पर चला जाए, उसको बताए वीजे की कॉपी है, वो भी बताए पासपोर्ट की कॉपी, और 1,050 रुपया जमा कराए, उनको दे 1,050 रुपया, तो वो पैसे लेंगे, और इसका जवाब जो है वो इतना जल्दी नहीं आता, जैसे उसने कहा ना 1 महीने के अंदर वीजा निकल आया, 1 महीने के अंदर नहीं, ये 3 महीनों के बाद लजना बैठती है, मीटिंग बैठती है, पहले 3 महीनों बाद बैठती थी, अभी कोरोना की वजह से लेट हो रहा है, 6 महीने 8 महीने साल भी लग रहा है, पिछले साल ये जो साल गुजरा है इसमें 2 बार लजना बैठी है, 2 बार मीटिंग बैठी है, और उन्होंने डिपुटेशन जो है वो कई लोगों की रिमूव की है, और किसी भी केस में पकड़े जाते हैं आप, कोई भी केस होता है, केस केस की बात होती है, तो उस हवाले से वो देखते हैं कानूनी तरीके से, फिर वो दीवान होता है या कसर वगैरह जो होता है, जो इदारे हैं बड़े न्याबुलाम, ये सारे मिलके फिर डिसाइड करते हैं कि इस बंदे की डिपोर्ट रिमूव करनी है, ख़त्म करनी है या नहीं, इसको दोबारा एंट्री देनी है या नहीं, तो वो डिसाइड करते हैं और वो ख़त्म करते हैं। तो भाई ये थी इन्फॉर्मेशन,
आपके साथ अगर कुछ ऐसा वाक्य हुआ है तो जरूर अपना जो है एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, और अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिख के पूछें, क्योंकि मोटा मोटा जो मेरे दिमाग में था आपको समझा दिया है और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को बड़ा करने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हम अच्छी अच्छी चीजें जो है आपको सिखाते रहें, आपको बताते रहें, और आप भी हमारे साथ आप इल्म की रोशनी से मालामाल होते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।